Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas, and we are doing current affairs of 30 April 2015. Now, earthquake safe buildings, this news is just everywhere. अब होता क्या है कि एक अर्थक्वेक से नुकसान कितना हो, किस बात पे डिपेंड करता है अर्थक्वेक कितना था, बड़ा था और बिल्डिंग कैसी, दो ही बातें हैं। जब ग्राउंड जोर जोर के हिलता है तो डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, डेप्थ ऑफ फोकस कैसा है, नेचर ऑफ सॉइल कैसी है, ये अर्थक्वेक की वेरिएशन है। अब हम बात करेंगे बिल्डिंग की वेरिएशन की। देखो, यहाँ तो बिल्डिंग बनी होगी सैंडी सॉइल के ऊपर, हो सकता है इसके नीचे पानी भी हो, तो ऐसी बिल्डिंग अगर अर्थक्वेक आएगा तो गिर जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है, फाउंडेशन को ज़रा हार्ड स्ट्रेटा पे बनाओ। फिर बिल्डिंग की दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हिली टेरेन में हो सकती है, वहाँ लैंडस्लाइड आ जाएगा, ट्रिगर होगा और पूरे का पूरा नीचे बह जाएगा सारा कुछ, तो स्लोप स्टेबलाइजिंग मेजर्स को आप यूज़ कर सकते हो। फिर जब हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होती है अर्थक्वेक से, हो सकता है कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो बिल्डिंग में, तो इसका सोल्यूशन क्या, उसमें डक्टिलिटी ले आओ, यानी कि उसके अंदर स्ट्रक्चर में इतनी एबिलिटी ले आओ कि वो हिल सके बिना वो डिफॉर्म भी हो सके लेकिन कोलैप्स ना करे। फिर सिस्मिक फोर्सेस जो जनरेट होती हैं वो जैसे मास और हाइट बढ़ता वो भी बढ़ती जाती हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो लाइट वेट मटीरियल को यूज़ करो, दूसरा लो राइज स्ट्रक्चर्स को बनाओ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में। पुरानी बिल्डिंग से आप क्या करेंगे, उनके ऊपर मेटल बैंड्स, स्ट्रिप्स, ऐसी चीज़ें आप लगा के उनको बांध सकते हो। लीनिंग टावर पीसा है जो, उसको भी उन्होंने बांध ही रखा है, वो गिरता ही नहीं है इस वजह से, आप इसको भी हम हमारी बिल्डिंग्स को बांध सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशंस हमारे बिल्डिंग कोड में, जैसे वो कह रहे हैं कि री इन्फोर्स कंक्रीट बैंड्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे प्लिंथ लिंटर लगा दो, विंड जो दरवाज़ा और विंडो और डोर के ऊपर जो होता है एक लेयर लग जाती है, रूफ लेवल के ऊपर कुछ लगा दो। फिर जो कंक्रीट बैंड्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली जो पूरी बिल्डिंग के वो एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, आपस में जुड़े हों, और जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करो, ईंटें अच्छी इस्तेमाल करो। तो ये सीन है। अब अर्थक्वेक कहीं पर आ जाए, ये तो था बिल्डिंग्स को लेके, अब अर्थक्वेक मान लो फ्यूचर में तो आएंगे, तो उसके लिए आज हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए। हम सार्क सिस्मोलॉजिकल एजेंसी बना सकते हैं, क्योंकि हम ही वो देश हैं जिन पर ज़्यादा असर होना है, या फिर वो उस तरफ रिंग ऑफ फायर वाले हैं। अर्थक्वेक प्लान बनाना चाहिए पूरे हिमालयस के लिए, जिसके अंदर पूरी प्लानिंग होगी, रेस्क्यू रिलीफ कैसे होगा, एयर लैंड एंड वाटर से कैसे लोगों को निकाला जाएगा, किस वेदर में कैसी तैयारी चाहिए होगी, ऐसे ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स चीज़ें अगर आप लिखते हो पेपर में से नंबर भी ज़्यादा आएंगे। फिर जब स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं हिमालयस के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये वेरी हाई रिस्क है, कि हाई रिस्क है, कि लो रिस्क है, ताकि उनके रेजिडेंट्स को पहले ही बताया जा सके कि भाई देख लो ये होने वाला, बाकी अब आपकी मर्जी, ये मरना तो देख लो। उनको आप अगर वार्निंग इशू कर दोगे तो दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, एंड द गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो डू समथिंग अबाउट इट। जितने लार्ज डैम्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं इंडिया के, उनको एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए, रीएवैल्यूएशन करनी चाहिए कि क्या सिस्मिक पॉइंट उनका क्या है। फिर अर्जेंट सिस्मिक रीजोनेशन करनी चाहिए हम पूरे सार्क रीजन की, कहाँ पर कैसे सिस्मिक जोन्स हैं, ताकि गलती ना हो जाए इस एंड पे। जो हिमालयन मेंबर्स हैं सार्क के, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, इनको चाहिए कि ये फिर से जो अपनी जोनेशन करेंगे, इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा वेरी हाई रिस्क, लो रिस्क, मिडल रिस्क, लिटल रिस्क, नो रिस्क, कौन से एरिया, पब्लिक नॉलेज बढ़ेगी। अलग लोगों को MS की इंटेंसिटीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ MS की, ये एक लेटेस्ट, अब तो पुराना हो गया, इसको MSK 64 भी कहते हैं, स्केल है जो हमें बताता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक इंटेंसिटी स्केल है जो हमें ये बताता है कि किस, वो वैल्यूट कहते हैं किस सिवेरिटी से ग्राउंड हिला, ठीक है, अर्थक्वेक के होने की वजह से, ये ग्राउंड के ऊपर जो नुकसान होता है उसकी वैल्यूएशन में हेल्प करता है MSK। मेदवेदेव, स्पोनवेयर, कार्निक, तीन अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं। अब एंड आई विल से द सेम थिंग अगेन, इफ यू लाइक प्लीज आप इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस, फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, प्लीज शेयर इट विद अदर पीपल हुम सो एवर यू लाइक, सो दैट बिकॉज दिस सपोर्ट्स मी, एंड फाइनली वट एवर कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, और आप जो भी क्वेश्चन करना रेज चाहें वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।